कश्मीर की जब से पैदा की हुई है, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक खतरी सी मच गई है। वफा की मुद्रा और उसके जो मैं नाम नहीं दे रहा, आप समझ गए ना, वो सारे इस पर इतना बरस रहे हैं जैसे अभी तक कराची में बादल भी नहीं बरसे। और दूसरी बात ये है कि वो कुतें भी उनको शायद हकीकी खौफ हो गया है, जो 40 साल से आपका कराची में रास्ता रोके हुए थे, कि आप पहली मरतबा वाकई आप कराची फतेह करने जा रहे हैं और उनको खौफ हुआ है। देखो, हम समझते हैं कि आपने अच्छा एक ऑब्जर्वेशन तो किया है कि क्यों इतना तकलीफ़ इस्लामाबाद को और हमारे अपोजिशन की जमातों को होता है। और मेरा ख्याल में इनका एक हैबिट बन गया है कि वो कराची के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है और ना किसी और को करने को इजाज़त दे रहे हैं। और इनको इस बात की तकलीफ़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिन रात मेहनत कर रही है, उनके साजिशों के बावजूद, उनके साथ ना देने के बावजूद, कम वसाइल के बावजूद, ज़्यादा मेहनत के साथ साथ मिलके हम अपने महदूद वसाइल से काम तो हो रहा है कराची में, पूरा सूबा में, इतना लिमिटेड वसाइल के बावजूद हम अपना मेहनत भी जारी है और साथ साथ हम अपने हकूक़ का जद्दोजहद जारी रख रहे हैं। और हम समझते हैं कि जो नाइंसाफ़ी वफाकी हुकूमत इस सूबा के साथ, इस शहर के साथ बार बार कर रही है, वो अवाम के सामने है, अवाम इसको देख रही है। और यही वजह है कि कराची से लेके कश्मीर तक पाकिस्तान के अवाम पीपल्स पार्टी की तरफ देख रही है। पाकिस्तान के अवाम समझती है कि इनके मसाइल का हल और वाहिद उम्मीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपने पिछले दिनों एक बात कही कि इलेक्शन तक भी हो सकते हैं, तैयारी करें, तो आपकी जमात में इस वक्त रिटायर कर्नल जनरल शामिल हो रहे हैं, सर तासुर यह दिया जाता है कि ये 100 इलेक्टोरल हुकूमत बनाते हैं, तो क्या आपको आसरा दिया गया है कि आने वाली हुकूमत आपकी आ रही है या आप अभी भी इसकी तैयारी कर रहे हैं? आप तो जानते हो, आप इस शहर से हो, आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत चलती रहती है। हम अपने इलेक्शन का तैयारी जो है मुसलसल उस इलेक्शन तैयारी मोड में होते हैं। और एक तरफ जहां हमारा जद्दोजहद होता है, हमारा पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है, हमारा तंजीम साजी होता है, हम साथ साथ जो है हमारे जमात में कराची से लेके कश्मीर तक और जी हां क्वेटा तक जॉइनिंग्स हो रहे हैं, ज़ोर और शोर से हो रहे हैं, निचली सतह से लेके ऊपर सतह तक बड़े बड़े लोग शामिल हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जब कोई मेहनत करता है, जब नेक नियति के साथ एक काम किया जाता है और अवाम ने दोनों बाकी जमातों को भुगता है, दोनों बाकी जमातों के हुकूमतें भुगते हैं, तब्दीली को पहचाना है कि तब्दीली का असल चेहरा बेरोज़गारी, गुरबत और महंगाई है, तो यही वजह है कि सारे लोग पीपल्स पार्टी की तरफ आ रहे हैं। जहाँ तक इलेक्शंस की बात है, ये बहुत अनस्टेबल हुकूमत है, इलेजिटिमेट तो हुकूमत है ही, लेकिन ये बहुत ही अनस्टेबल है। और हम समझते हैं कि किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं और यही वजह है कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। और कल वैसे एपीडीएम जो ऑपोजिशन का इत्तेहाद है उसका इजलास है, हमने उनसे पूछा कि क्या पीपल्स पार्टी अब तक एपीडीएम के साथ है क्या, तो उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी ने ऑपोजिशन और एपीडीएम को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि वो पीपल्स पार्टी के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पीपल्स पार्टी अब अटैच हो गई है, तो क्या कमेंट करेंगे आप एपीडीएम पर? हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मौलाना फजल रहमान साहब को, हम चाहते हैं और समझते हैं कि यकसा ऑपोजिशन हुकूमत को नुकसान पहुंचा सकती है। हम समझते हैं कि अगर जमहूरी अंदाज से सियासत किया जाता है तो हम ना सिर्फ नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमने नुकसान पहुंचा के दिखाया है। जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा था, जब तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीपल्स पार्टी की बात मान रही थी, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी अपना रही थी, तब तक अपोजिशन जीत रहा, मुसलसल जीत रही थी। चाहे वो 11 का 11 बाय इलेक्शंस, जो हमारे बाकी अपोजिशन जमातें नहीं चाहते थे कि हम बाय इलेक्शंस में हिस्सा लें, लेकिन पीपल्स पार्टी की बात मानते हुए हमने वो बाय इलेक्शंस में हिस्सा लिया, हमने हुकूमत को शिकस्त दिलवाए।
हमने खैबर से लेके कराची तक, पिशीन से लेके फाटा तक हुकूमत को शिकस्त दिलवाया और पूरी कौम को दिखाया कि अवाम अपोजिशन के साथ है। जब पीडीएम ने पीपल्स पार्टी की बात मानी और वो सेनेट इलेक्शन जिसमें वो हिस्सा नहीं लेना चाहते थे, पीपल्स पार्टी के कहने पे वो हिस्सा लिए, तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने तारीखी शिकस्त हुकूमत को दिलवाई। यहाँ तक कि इस्लामाबाद में अपना सेनेटर को चितवा के हमने मजबूर कर दिया था कि खान साहब अब अपना अदम एतमाद के वोट ले। अब आगे जाके अगर अपोजिशन सीरियस हैं, वो हुकूमत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो ज़ाती मुफाद के बजाय, इंडिविजुअल्स की सियासत करने के बजाय हमें उसूलों पे करना पड़ेगा, जमहूरी हथियार अपनाना पड़ेगा। और आज भी मैं समझता हूँ कि अगर अपोजिशन सीरियस है, अगर अपोजिशन मिल के अदम एतमाद पहले बुज़दार के खिलाफ फिर इमरान ख़ान के खिलाफ लेकर आते हैं, तो कल हुकूमत गिर जाएगी। हम समझते हैं जो हमारे ऑपोजिशन के दोस्त हैं उनको सोचना चाहिए कि कौन संगीन है हुकूमत को नुकसान पहुंचाने में। क्या वो जो उनको वो तजवीज़ देते हैं जो हुकूमत को नुकसान पहुंचा सकता है या पहुंचाता है या पहुंचाया है, या वो जो ऐसे तजवीज़ देते हैं जो सिर्फ ऑपोजिशन को नुकसान पहुँचाता है। जहाँ तक ये इशारों की बात होती है, आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो सिर्फ़ और सिर्फ अवाम के इशारों पे यकीन रखती है और किसी और के इशारों पे ना माजी में चला है, ना आज चल रहा है और ना इंशाल्लाह ताला कल चलेगा। ये हमारे जो दूसरी जमातें हैं सारे के सारे 100% इनके इनक्यूब्यूटर्स और इनके नर्सरी से बने हुए जमातें हैं। तो जब वो पीपल्स पार्टी को सियासत करते हुए देखते हैं तो वो समझते हैं कि उनकी तरह हम इशारों पे चलते हैं, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको कहा है, पीपल्स पार्टी ना माजी में ना इंशाल्लाह ताला कल पे किसी इशारा पे चलेगा। जहाँ तक हमारे तरक्याती मंसूबे हैं, बजट के वक्त चीफ मिनिस्टर साहब ने पूरे ख़त पे और ऑन रिकॉर्ड लेकर आया था जो नाइंसाफ़ी सीएम साहब और हमारे सूबे के साथ हो रहा है वो आपके सामने है। जो हमारा NFC का हक है, जो हमारा शेयर का हक है, वो हमें नहीं दिया जा रहा है। जो हमारा गिनती सेंसस में होता है वो गलत तरीके से होता है ताकि हमें अपना शेयर और अपना हक नहीं दिया जाता। और जहाँ तक तरक्याती ऐलानात वफाकी हुकूमत की तरफ से, हमने भी पिछले मानसून के सीज़न में ये सुना था कि 1,000 अरब रुपीस कराची के लिए कितना ऐलान किया, 1.1 trillion rupees, 1100 अरब रुपया वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया। एक साल हो चुका है, एक रुपया ना नहीं पहुंचा, एक ईंट नहीं लगाया गया, एक कतरा पानी नहीं दिलवाया गया, एक मेगावाट बिजली नहीं दिलवाया गया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कराची और इस सूबे के अवाम को तकलीफ़ पहुंचाया है। हम समझते हैं इंशाल्लाह ताला ये हुकूमत जल्द जा रही है, आने वाली हुकूमत पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी जो अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। इस वक्त बिलावल भुट्टो की न्यूज कॉन्फ्रेंस जारी है। बिलावल भुट्टो का न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि हमारा NFC का शेयर नहीं दिया जा रहा, कराची के लिए 1100 अरब का ऐलान किया, एक साल हो गया, कराची में एक ईंट नहीं लगी, ये हुकूमत जल्द जा रही है। पीपल्स पार्टी किसी और के नहीं सिर्फ आवाम के इशारों पर यकीन रखती है। बॉम्ब धमाके हुए थे, हमने इन
दहशतगर्दी के वाक़े के तंकीद भी किया है और मुतालबा किया है कि हुकूमत दहशतगर्दों को अपीस करने के बजाय, नरम रवैया रखने के बजाय, हुकूमत को दहशतगर्दों के साथ नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करना चाहिए, नेशनल एक्शन प्लान को अपनाना पड़ेगा ताकि हम दहशतगर्दी इस पूरे मुल्क से ख़त्म कर सकते हैं और उस ख़तरा का मुकाबला कर सकते हैं जो हम सब देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बाद दहशतगर्दों का अगला निशाना पाकिस्तान होगा। उसको अगर हमने संभालना है तो हमें नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करना पड़ेगा। अफसोस के साथ जो हमारा वज़ीर आज़म है वो दहशतगर्दी के साथ और दहशतगर्दों के साथ हमदर्दी का इज़हार करते हैं, दहशतगर्दों को शहीद करार देता है, और वो जो सिपाही, वो जो पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने हमारा शहर कराची से लेके वज़ीरिस्तान तक अपने जान की कुर्बानी दी है इस दहशतगर्दी का मुकाबले करने के लिए, उनको लावारिस छोड़ा है। हम समझते हैं इस पूरा पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा। जब तक खान साहब अपना पॉलिसी को रिव्यू नहीं करता है तब तक ये दहशतगर्दी का ख़तरा रहेगा। जनरल साहब, जमहूरी जद्दोजहद पर यकीन करने वाली और एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात पीपल्स पार्टी ने कैसे बलूचिस्तान में इकतदार हासिल करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के मोहरों के साथ हाथ मिला लिया, क्या कहेंगे इस हवाले से? क्योंकि आपका तो बिल्कुल चेहरा एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन वो जाने जाते हैं मोरा इस्टेब्लिशमेंट के, जिन मोरों को आपने जमात में शामिल किया, तो क्या इकतदार हासिल करने के लिए पीपल्स पार्टी अब कुछ भी कर सकती है? अब मैं एक तो समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी का एंटी नहीं, प्रो पीपल रहा है, और जिसका पॉलिसी एंटी पीपल होगा हम उनके एंटी होंगे, जिनके पॉलिसी प्रो पीपल होगा हम उनके साथ देंगे। जहाँ तक ये जो आप सब ने कुछ दिनों के लिए मेरे जो लोग शामिल हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, इनको इस ये गलत छाप इन पे डाला गया है। मैं समझता हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल सनाउल्लाह ज़हरी साहब की बात कर रहे हो, जब तक वो नून लीग में था तो वो उनके इनकलाब को बलूचिस्तान में लीड कर रहा था, और जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ जाता है तो वो बुरा बन जाता है। ये बड़ा नाइंसाफ़ी है, और मैं समझता हूँ कि जो भी बलूचिस्तान में सियासत करते हैं वो बड़ा मुख्तलिफ अंदाज में सियासत करते हैं एज़ अपोज टू पंजाब, और पंजाब के तर्जुमान, लाहौर के तर्जुमान को पता ही नहीं है कि खुजदार में और क्वेटा में सियासत करना क्या चीज़ है। सनाउल्लाह ज़हरी साहब के बेटे को शहीद किए गए हैं, और बड़ा अफसोस की बात है कि जब PDM का जलसा क्वेटा में हो रहा था तो सनाउल्लाह ज़हरी साहब को और जनरल कादर बलोच साहब की इंसल्ट हुआ, और उनको उस जलसा में दावत भी नहीं दी गई थी, और यही वजह बना उनकी अपनी जमात का अलीहदगी अपनाने से। और हमारे लिए हम समझते हैं कि ये एक नया रास्ता खुल चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, हमारे दरवाज़े हर किसी के लिए खुले हैं जो इस हुकूमत को हटाना चाहते हैं, जो इमरान खान को भगाना चाहते हैं, और पाकिस्तान को एक पीसफुल, प्रॉस्परस और तरक्की पसंद पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। मेरा सवाल आपसे इतना सा है कि कराची में इस 13 साल से पूरे दिन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 13 साल की हुकूमत है, कराची के लिए स्पेसिफिक अब आपकी क्या तरजीहात है? क्योंकि न मास ट्रांजिट के मनसूबे मुकम्मल हुए हैं, न फरामी आपके बुनियादी मसायल और हल हुए हैं, तरजीहात इस वक्त क्या है जो फौरी कराची में नजर आए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मास डेवलपमेंट की है? मैं समझता हूँ कि चीफ़ मिनिस्टर साहब और उसकी पूरी टीम की दिन रात का मेहनत आपके सामने है, और जिस तरीके से कराची के हर डिस्ट्रिक्ट में मुफ्त इलाज के NICVD के या चेस्ट पेन यूनिट या हॉस्पिटल पूरा का पूरा बना हुआ है, जगह जगह पब्लिक स्पेसेस, जैसे आज हम इस YMCA में हैं, मगर वैसे पीपल्स पे के कॉन्सेप्ट पे बड़े पब्लिक स्पेसेस बनाए गए हैं कराची में। पानी के मंसूबे में पानी के तादाद में इजाफा करने के लिए जो इकदाम हब डैम और मुख्तलिफ मंसूबे सिंध हुकूमत ने अपनाए हैं, जिस तरीके से वो वाहिद हुकूमत है जिसने अपना ट्रांसमिशन लाइन सेट करके एक 100 मेगावाट का एक्स्ट्रा बिजली के इलेक्ट्रिक को भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो अपने मेहनत
महदूद वसाइल के बावजूद अपनी मेहनत की नतीजे में कराची के अवाम के मसाइल का हल करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ हम जिद्दोजहद कर रहे हैं कि हमारा सूबा को हक दिया जाए, हमारा शहर को, हमारा कैपिटल को अपना हक दिया जाए, ताकि हम यहाँ के अवाम का मसाइल हल कर सकें। कुछ जैसे कि आपको पता है कि अगर आपको सेंसिस में गिनती कम की जाएगी, अगर आपको NFC अवार्ड में आपको अपना फंड्स नहीं दिया जाएगा और पूरी मुल्क से और पूरी दुनिया से इमिग्रेशन इसी शहर में होगा, तो हमारे पास वसाइल कम होंगे और काम बहुत ज़्यादा होगा। मगर पीपल्स पार्टी ने इन कम वसाइल के बावजूद ज़्यादा रिजल्ट्स दिखाए हैं और कराची के अवाम और पूरे मुल्क के अवाम को कह रहे हैं कि अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देंगे, हमें इंशाल्लाह ताला आपको अपना हक भी दिलवाएंगे और आपके मसाइल का हल भी निकालें। चेयरमैन साहब, मेरे आपसे दो सवाल हैं। एक तो ये कि जब आप अमरीका जा रहे थे तो पूरी हुकूमत हिल गई थी, कोई कह रहा है अपॉइंटमेंट लेटर लेने गए, कोई कह रहा है जॉब लेने गए, कोई कह रहा है CV लेने गए, एक तो सवाल ये है। दूसरा ये है कि वहाँ से आपको ग्रीन सिग्नल मिला। तीसरा ये है कि जब शेख रशीद आए थे तो शेख रशीद से मैंने सवाल किया कि अगली हुकूमत बिलावल भुट्टो जरदारी की होगी या मरियम नवाज की होगी, तो उन्होंने कहा ये 5 साल भी ये हुकूमत पूरे करेगी, अगले 5 साल भी हुकूमत जो है PTI की आएगी। तो आप क्या राजी हो गए हैं? जहाँ तक अमरीका का हमारा ट्रिप की बात है, वो मैंने पहले भी क्लियर किया था और उस ट्रिप में हमने तो वाशिंगटन का दौरा किया ही नहीं था। इंशाल्लाह ताला कुछ महीनों बाद हम वाशिंगटन का दौरा भी करेंगे, फिर आप इनके चीखे देखें। जहाँ तक शेख रशीद साहब का बयानात है, यही साहब मुशर्रफ का भी वजीर था, उसके लिए भी कहता रहा कि इसका हुकूमत आना है और आता ही रहेगा। और फिर उसी वजीर साहब ने देखा किस तरीके से सदर जरदारी ने, मर्द हुर ने उस मुशर्रफ को भी भगाया और इंशाल्लाह ताला हम इस कप्तान को भी भगाएंगे। चेयरमैन साहब, मेरा नाम शबीर लाचारी है, सिंपली जी से मेरा वास्ता है। अच्छा, वफाकी सरकार ने पिछले दिनों जो जजायर हैं सिंध के, उनके हवाले से एक मुतनाज़ा फैसला किया, ऐलान किया वो अपनी जगह पे। अब MQM की फरमाइश पर सन 1971 में जो लोग बांग्लादेश चले गए थे, उनकी छोड़ी हुई जो जायदादें हैं वो यहाँ पर सेटल होने वाले लोगों को देने का फैसला हुआ है, इस फैसले पे आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो भी यक तरफा फैसला लेगा, जो भी फैसला वो इस शहर या इस सूबे के लिए लेंगे, मगर इस सूबे के अवाम को, इस सूबे के हुकूमत को ऑन बोर्ड ही नहीं लेंगे तो वो मुतनाज़ा ही रहेंगे। जहाँ तक MQM की इस हुकूमत में कंट्रीब्यूशन है, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला बल्दियाती इलेक्शंस जल्द आने वाले हैं और कराची के अवाम MQM को और PTI को ऐसे उस इलेक्शन में अपने वोट के ताकत से जवाब देंगे कि जिस महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत की सुनामी में इस शहर के अवाम डूब रहे हैं, वो जानते हैं कि ये दोनों जमातों इनके मसाइल के कसूरवार है। अगर कोई हल है, अगर किसी का नियत साफ है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देंगे। चेयरमैन साहब, अजहर अजीम फ्रॉम कैपिटल TV, पीपल्स पार्टी ने हमेशा कराची में मेयर अपना लगाने की बात की और कहा कि इस बार हमारा मेयर होगा, हमारा नाजिम होगा, लेकिन तारीख में पहली बार सियासी मेयर एडमिनिस्ट्रेटर का तयन किया गया और साथ साथ जो है मुख्तलिफ डिविजन्स में कंसल्टेंट भी लगाए गए जो कि बलजाती अमूर देखेंगे। तो क्या ये तमाम जमातों को क्लियर कट मैसेज है कि पीपल्स पार्टी इस बार संजीदा है और मेयर ज्यादा होगा? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो इस शहर के लिए सियासी या हुकूमती मेहनत कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि हम इस शहर में बेहतरी लेकर आए। और CM साहब को जो भी कदम उठाना पड़ेगा हमारा परफॉर्मेंस में इजाफा करने के लिए, हमारा सर्विस डिलीवरी में बेहतर लाने के लिए, उसके पास वो हक है, वो तैयार है कि वो स्टेप्स ले। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से अब CM साहब ने अपना कैबिनेट मेंबर को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है, एक ग्रेड 19 का ऑफिसर का पोजीशन पे बिठा के अपना हुकूमत का सीरियसनेस और इस जमात का सीरियसनेस दिखाते हैं कि हम क्या अहमियत इस शहर को और इस शहर के अवाम को देते हैं।
और जो साथ साथ स्पेशल असिस्टेंट्स जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में सीएम सिंध की तरफ से कोऑर्डिनेशन करेंगे, सीएम सिंध की तरफ से उन डिस्ट्रिक्ट्स में अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे, इस कदम से बेहतरी ही आ सकती है। इस कदम से हमारा मेहनत का बेहतर फल और बेहतर नतीजा निकल सकते हैं। तो हम भी इस फैसले को वेलकम करते हैं, इस सूबे के अवाम ने इस फैसले को वेलकम करते किए हैं, इस सूबे के कैपिटल सिटी ने इस फैसले का वेलकम किया है। तो इंशाल्लाह ताला जब जब आपका नियत साफ़ होता है और आप एक काम के लिए निकलते हैं उसका रिजल्ट्स भी निकलते हैं। और जैसे फैसल बाबरा का सीट का बाय इलेक्शन हो, कमाड़ी का बाय इलेक्शन हो या मलीर का बाय इलेक्शन हो, आई थिंक ये अब एक कॉमेंट नहीं है। ये आवाम, चाहे वो कश्मीर के पहाड़ों में रह रहे हो या किमारी में रह रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। चेयरमैन साहब, मेरा सवाल ये है कि पीडीएम का क्या फ्यूचर है? मौलाना फजलुर रहमान ने फरमाया है कि वो जब इस्लामाबाद जाके इजलास बुला रहे हैं, तो क्या आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? हम तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन हम उनको बेस्ट विशेज भेजते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जो हमारे साथ नहीं हो सका अब हमारे बगैर हो सकेगा। और इंशाल्लाह ताला वो जल्द से जल्द इस्लामाबाद में धरना भी देंगे, इमरान खान को भी भगा के भी दिखाएंगे। तब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के अवाम के असल मसाइल की तरफ तवज्जो दे रहे हैं और अपना सियासी कोशिश कर रहे हैं कि इस हुकूमत को हर मैदान में चैलेंज करें, इस वज़ीर आज़म को हर जगह चैलेंज करें। और जब भी अपोजिशन की जमातें संजीदा हो, जब भी अपोजिशन की जमातें माने कि वो पार्लिमानी और जमहूरी हथियार इस्तेमाल करते हुए अदम एतमाद लाना चाहते हैं, तो हम हाजिर हैं। थैंक यू।